हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको अगस्त और सितंबर के महीने में मैंने जो कटिंग लगाई थी उसका मैं अपडेट देने वाली हूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाइस, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है कि आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको इग्नोर करिएगा। तो सबसे पहले की जो कटिंग है वो है एक वेजिटेबल की। ये देखिए, ये मैंने वेजिटेबल की कटिंग लगाई है, कुछ ही दिन हुए, 3 से 4 दिन हुए होंगे। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। तो अभी आप देख सकते हैं ऊपर वाले सिरे पे पत्तियां आना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए इसमें भी। तो ये करीमुआ का है, हाइब्रिड वेराइटी। ये एक तरीके का साग होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हेल्थ वाइज। और इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया है कट करके। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ हमको नज़र आ रही है। दूसरा प्लांट है एक्सोरा का। एक्सोरा मैंने बहुत सारा लगाया है इस साल, क्योंकि एक्सोरा मेरे पास जो वेराइटी है वो पूरे साल बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करता है और डोरमेंसी पीरियड में भी नहीं जाता है। इस पर सीड भी बनते हैं, इसके सीड भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इसके खूबसूरत से फूल हैं, इतने डार्क कलर आते हैं इस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बंचेस में। हैवी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट होता है कम केयर में। ये देखिए इसके बीज हैं, ये बीज जब बड़े होते हैं तो रेड कलर के हो जाते हैं और इसको जब आप कटिंग से लगाएंगे तो तुरंत ही इसमें फूल आने लगते हैं महीने भर में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम ले। छोटे छोटे कलियाँ बनी हुई हैं कटिंग में, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे कलियाँ आ रही हैं और एक बार फ्लावरिंग भी हो चुकी है, ऊपर वाले एरिया पर देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग है, हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। उसके अलावा जो मैंने कटिंग लगाई है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट की कटिंग मैंने पानी में ग्रो की है। मनी प्लांट बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है बारिश के टाइम में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये है मनी प्लांट जिसको कि हमने पानी में लगाया है और इसकी रूट आप देख ही सकते हो। तो आप मनी प्लांट भी बारिश के टाइम में ग्रो कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे एक एक्सोरा की अलग वेराइटी है ये वाला। ये इसके भी फूल ऑरेंज कलर के आते हैं, पर इसके जो फूलों का गुच्छा होता है काफ़ी बड़ा होता है। और इस पर भी देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और नीचे भी ये सब छोटे छोटे कटिंग एक्सोरा की ही है। यहाँ पे फाइकस की कटिंग लगा रखी है, फाइकस में आपको ग्रोथ नज़र आ रही होगी। तो इसको हमने अपने मदर प्लांट से लेकर लगाया है, जो हमारे पास गार्डन में बड़ा सा प्लांट है उससे। यहाँ पे भी एक्सोरा की कटिंग है, इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। इसको लगाया है मुझे 1 से 1.5 महीने होंगे, हो गए होंगे, क्योंकि इसकी जो वीडियो है मैंने अपलोड की थी। और यहाँ पे देखिए ये चमेली का प्लांट है, इसको भी एज अ कटिंग ग्रो किया था। इसमें भी देखिए ग्रोथ नज़र आ रही होगी आपको, वैसे नए नए। तो ये इसके पतले पतले अपन कटिंग अगर आप लगा देते हैं तो भी आपको उसमें सफलता मिल जाएगी और नए प्लांट हो जाएंगे। यहाँ पे फाइकस का प्लांट है और प्लांट इसके बारिश के टाइम में अपने रूट को फैलाते रहते हैं। ये देखिए रूट ऊपर ही नई नई आ रही है, तो ये दीवार में चिपक जाती है। सभी गार्डनर की तरह मैंने भी रोज की कटिंग लगाई और सफलता हासिल की। ये देखिए मेरी कटिंग है जो सर्वाइव कर गई है, बहुत बड़े बड़े पत्ते आ गए हैं। थोड़े से अच्छे से रूट बन जाए तब इसको मैं अलग अलग गमले में लगाऊंगी, और अच्छे फ्लावरिंग के लिए ये ज़रूरी भी है। ये देखिए इसका पूरा वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी, अभी वीडियो बन रहा है। तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखने के लिए। गुलदाउदी विंटर का हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई है। ये मेरी पुराने गुलदाउदी है, इसको मैंने घना करने के लिए ऊपर के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको पिंच कर देती थी और निकली हुई ब्रांच को मैं फेंकती नहीं थी, एज अ कटिंग लगाती थी, वो भी दिखाऊंगी आगे। उससे पहले यहाँ पे मैंने ये देखिए हिबिस्कस लगाया है और हिबिस्कस में नई ग्रोथ आपको नज़र आ जाएगी। ये देखिए सारी नई नई पत्तियाँ जो निकली हुई हैं, ये बताती हैं कि इसमें नीचे रूट बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक्सोरा लगाई है, ये देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कलियाँ आ रही हैं। तो इस साल सबसे ज़्यादा मैंने अगर किसी चीज़ की कटिंग लगाई है तो वो है एक्सोरा। उसके अलावा यहाँ पे भी देखिए कुछ कटिंग लगाई थी, इसमें रोज फ्लावर प्लांट की कटिंग थी और गंधराज की। तो गंधराज की तो सारी की सारी सूख गई, लेकिन गुलाब की ग्रो हो गई। उसके अलावा यहाँ पे मैंने पानी में सिंगोनियम लगा रखा है, आपको दिखाती हूँ अभी।
ये देखिए पानी में मैंने सिंगोनियम ग्रो कर रखा है और इसकी रूट आप देख ही सकते हो। तो पानी में सिंगोनियम बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है और इसके पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इसे आप सो टेबल पे भी रख सकते हैं, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा मैंने मॉस रोज की कटिंग लगाई है, हालांकि मॉस रोज मेरे पास है फिर भी मैंने इसकी कटिंग लगाई है। और यहाँ पे देखिए केलेंचो को मैंने ग्रो किया है एज अ कटिंग। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, तो अभी भी आप इसको लगा सकते हैं। ये विंटर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके फूल एक बार खिलने के बाद महीने डेढ़ महीने तक खिले ही रहते हैं। यहाँ पे भी एक मैंने प्लास्टिक के ग्लास में डहेलिया, हिबिस्कस और गुलाब की कटिंग लगा रखी है। तो गुलाब की कटिंग और डहेलिया सब सारी की सारी ग्रो हो गई है। हिबिस्कस में नए पत्ते आ गए हैं, ये देखिए। तो आप भी जरूर से कटिंग लगाइए इस तरीके से, भर भर के बहुत ज़्यादा आपके पास प्लांट हो जाएंगे। उसके अलावा मैंने ये विंका का प्लांट एज अ कटिंग ग्रो किया है। इसको मैंने निकाल के भी दिखाया था, इस वाले प्लांट को बहुत ही अच्छी इसमें रूट बन चुकी है और फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो इस 2 से 3 दिन हुए होंगे इसकी वीडियो को अपलोड किए, तो आप देख सकते हैं पूरी अपडेट के साथ है वो वीडियो। तो जो कटिंग से ग्रो किया हुआ बिंका होता है वो छोटा रहता है, तभी बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है। तो ये फायदा होता है कटिंग से ग्रो करने का, तो आप भी कटिंग से जरूर ग्रो करिए। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ सिंगोनियम को एज अ कटिंग लगाया है और यहाँ से आप देख ही सकते हो कि नीचे से नए नए ब्रांच निकल रहे हैं, ये देखिए। और एक यहाँ है और एक्जोरा की यहाँ भी कुछ कटिंग है जो कि फ्लावरिंग कर रही है। यहाँ पे मैंने कोलियस की कटिंग, ये सारी मैंने कोलियस की कटिंग इसी साल लगाया है अगस्त के महीने में। ये बहुत ही अच्छे से देखिए इनके फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें जब वाइट फूल आते हैं तो उसे सब हटा देते हैं, लेकिन वो मधुमक्खी और बटरफ्लाई को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो इसी पर्पस से मैं कोलियस का प्लांट लगाती हूँ ताकि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा ये सारे मधुमक्खी बटरफ्लाई वगैरह आते रहें, क्योंकि वेजिटेबल के लिए फूलों के लिए वो सारे चीज़ें जरूरी होती हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैंने ये वाले देखिए, ये जो गेंदे का प्लांट है और डहेलिया का प्लांट है सब कटिंग से ग्रो किया है। ये गेंदे का जो प्लांट है ये मुझे कहीं से मिल गया था और मैंने इसकी कटिंग लगा दी। 3 पौधे थे और एक को वाटर में लगाया है, 2 को गमले में। और यहाँ पे है डहेलिया का मदर प्लांट, इसी से लेकर मैंने कटिंग लगाई है और सारी कटिंग ग्रो हो गई है। ये भी देखिए एज अ कटिंग ही लगाया हुआ है। यहाँ फिर है एक्जोरा का प्लांट और एक गुलदाउदी का प्लांट एज अ कटिंग लगा हुआ। यहाँ फिर एक डहेलिया है मदर प्लांट, बल्ब से ये बल्ब है उसी से कटिंग ले लेके लगाती रहती हूँ। और ये सारे कोलियस एज अ कटिंग ग्रो हुए हैं और यहाँ पे कुछ 3-4 दिन हुए होंगे इनको ग्रो किए। और ये देखिए ये सब गुलदाउदी एज अ कटिंग है लगे हुए। और यहाँ पे कुछ डहेलिया है सॉरी गुलदाउदी है जो कि एज अ कटिंग मैंने ग्रो किया है। बस प्रून करती हूँ, जो ब्रांच निकलती है उसको लगा देती हूँ, ये देखिए बहुत सारे, ताकि फूल हो और विंटर में हैवी फ्लावरिंग हो मेरे टेरेस पे भी। तो इसी पर्पस से मैंने लगाया है। तो होप करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय, हैव अ नाइस डे।